हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों गॉस लॉ। गॉस लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और इससे हम फील्ड और फ्लक्स बहुत आसानी से कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो गॉस लॉ CBSE बोर्ड के लिए जो बच्चे स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। तो इसका मैं प्रॉपर अच्छे से नोट्स बहुत बेहतर तरीके से पूरा डिटेल में बनाया हूँ, तो आप पूरा इसको देखना, द बेस्ट कंटेंट है। तो यहाँ से आप देखोगे कि गॉस लॉ होता क्या। पहले इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। तो गॉस लॉ ये कहता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्लास लेते हैं, ये ग्लास, तो ये ग्लास है। तो अगर ये ग्लास है तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन अगर इस ग्लास को मैं ऊपर से ऐसे ढक दूंगा किसी चीज़ से, ये ऊपर से ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो ये जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज सरफेस हो जाएगा। क्लोज सरफेस वह सरफेस है जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है। जैसे जिस रूम में आप हो वो रूम या तो क्यूबॉइड होगा या तो क्यूब होगा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी है जिस रूम में हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ उस रूम की चारों सभी खिड़कियाँ सभी दरवाजे बंद कर दो, तो वो जो रूम है वो एक क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ क्लोज सर्फेस समझ में आया, बंद सर्फेस क्लोज होना चाहिए। तो ये कहता है अगर क्लोज सर्फेस है और इसके अंदर मैं कोई चार्ज रखता हूँ, चार्ज इसके बाहर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। चलो मान लो इसके अंदर जो चार्ज है, तो इसके अंदर जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज इसके अंदर है, उसका 1/ε0 टाइम्स जो है फ्लक्स होता है इस सर्फेस से। इस सर्फेस से पास होने वाली जो फील्ड लाइन है, ये जो फील्ड लाइन है पास हो रही है, मतलब या तो आ रही हो या तो जा रही होंगी, ठीक है। कुछ फील्ड लाइनें मान लो निकल रही हैं, हो सकता है कुछ फील्ड लाइनें इसके अंदर आ भी रही हो, निगेटिव चार्ज हो, तो निगेटिव चार्ज है तो ऐसे आ रही हैं। तो कितनी लाइनें आ रही हैं, कितनी लाइनें जा रही हैं, उनका नेट नंबर, फ्लक्स मतलब क्या होता है, नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, मतलब फील्ड लाइंस, ठीक है ना। नेट मतलब या तो टोटल, टोटल या तो आएगी या तो जाएगी। मान लो 1000 लाइनें यहाँ से अंदर गई और यहाँ से 300 लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो नेट लाइन कितनी बची भाई, नेट लाइन बची 700, ठीक है। तो ये 700 जो फ्लक्स है, ठीक है, वो नेट फ्लक्स हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस सरफेस से नेट लाइनों का इक्वेशन देगा गॉसियन, मतलब ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, पहले इसकी मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लो। देखो जैसे ये यहाँ एक रैंडम शेप का गॉसियन सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो चलो चार्ज, जैसे मान लो चार्ज Q1 है और इसके अंदर चार्ज Q2 है, सरफेस के अंदर ये Q3 है और ये Q4 है और यहाँ पर ये Q5 है। तो ये एक क्लोज गॉसियन सरफेस है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर ये गॉसियन सरफेस है बेसिकली, तो इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स, ये कहते हैं इसका इक्वेशन मैं लिखता हूँ, नेट फ्लक्स, नेट फील्ड लाइन इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस मतलब डॉट प्रोडक्ट, किसका किसका भाई, दो वेक्टर का। कौन कौन वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ से इस गॉसियन सरफेस पे एक वेक्टर मैं लिया हूँ एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर, ठीक है। एरिया यहाँ पर वेक्टर है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड बाहर की साइड लोगे, और एक वेक्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर, नेट फील्ड, ठीक है। यह नेट फील्ड जो सभी चार्जेस का, अंदर वाले और बाहर वाले सभी का है, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे डी एस, ऐसे छोटे छोटे पूरे सरफेस को डी एस, डी एस इंटीग्रेशन मतलब ऐसे डी एस पूरे सरफेस को ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये ई डी एस कॉस थीटा बनेगा। बात समझ में आया। तो ये वाली चीज़, ये इनके बीच का एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे जनरली हम लोग सिमेट्रिकली लेते हैं, थीटा 0 होता है या 90 होता है, क्योंकि थीटा अगर रैंडम हो जाएगा तो इंटीग्रेट कैसे करोगे यार, समझ में आया। तो ये कहता है ये जब ई डी आर डी एस ऐसे इंटीग्रेट करोगे इस पूरे सरफेस को, ध्यान रखना लाइन का इंटीग्रेशन नहीं है, ये 3D व्यू है, ये सरफेस है। तो इसका पूरे सरफेस का जब इंटीग्रेशन करोगे, तो इसके अंदर टोटल जो चार्ज होगा और डिवाइडेड बाई एफ साइली नॉट,
उसके बराबर आएगा। एप्साइलिन नॉट एक कांस्टेंट है, आई होप आपकी जानते होंगे, ठीक है। तो एप्साइलिन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10^-12 इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आप जानते हो। तो ये गॉस थ्योरम का ये नेट स्टेटमेंट है। आई होप कि ये आपको फील आ गया होगा अच्छे से कि नेट फ्लक्स जो होता है, इस पूरे सरफेस को जोड़ दोगे उसके अंदर जो है जो चार्ज है उसके 1/ε टाइम्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को तो हम समझ गए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं, इस इक्वेशन का मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। और वो बार बार पूछा जाता है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इसको अगर प्रूव करने के लिए मैं बात करूँ, तो एक मैं इस सिमेट्रिकल सरफेस लिया हूँ जिसका नाम है स्फीयर। अगर मैं इस इक्वेशन को प्रूव करूँ कि क्या सच में ऐसा है नेट फ्लक्स, तो एक मैं स्फीयर लिया हूँ, इसके अंदर मैं एक चार्ज रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक मैं चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो अगर मैं इस पे अंदर चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन है निकल रही होंगी, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, एक मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन है निकल रही होंगी वो ऐसे होंगी, प्यारे बच्चों, दीज आर द फील्ड लाइन्स जनरेटेड बाई द पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हो रहा है। अब मैं इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब तो फिर देखते हैं q/ε टाइम्स आता है। पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखा, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लेता हूँ, दिस इज द स्मॉल सरफेस, या चाहे मैं यहाँ पर ले लूँ, कहीं पर ले लूँ, ऐसे छोटे छोटे सरफेस को मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर तो ऐसे जा रहा है, और एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी प्यारे बच्चों ऐसे ही जाएगा, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया जनरेट, जीरो। तो यहाँ पे जीरो, और इसका रेडियस मैं आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर ले लेता हूँ, इसका स्पीयर का गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ। तो अब इसका मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ स्पीयर, इस स्पीयर से कुल कितनी लाइनें पास हो रही हैं। तो इस स्पीयर से अगर मैं फ्लक्स देखूंगा, तो फ्लक्स का क्या डिफिनेशन था, फ्लक्स था E.ds, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ठीक है सरफेस है, तो E.ds इसका सर, अब मतलब फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर तुम देखोगे यहाँ, तो E.ds इसको खोल दो, तो डॉट प्रोडक्ट है भाई, तो E.ds cos θ होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है, तो इस सरफेस का इंटीग्रेशन E.ds cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो सरफेस का इंटीग्रेशन E.ds आ जाएगा, ठीक है E.ds। अब ये जो E.ds है, तुम देखोगे इस फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर है प्लस क्यू, और प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर अगर तुम देखोगे, ये गॉसियन सरफेस था, तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, आई होप कि सबको याद होगा, 1/4 πε₀ r² और ये क्यू से, q/1/4 πε₀, ये वाला। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वैक्यूम में, वो मैं रख देता हूँ q/4 πε₀ r² और ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और ये ds और ये क्लोज सरफेस ये बच जाएगा। तो ds मतलब क्या, छोटे छोटे इस स्फीयर को इंटीग्रेट करोगी ये वाली, तो पूरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली पूरी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ इस स्फीयर की जो सरफेस एरिया है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ q/4 πε₀ r² और सरफेस एरिया आ जाएगा 4 πr² तो 4 πr² यहाँ से 4 πr² खत्म हो गया, तो बचा क्या q/ε₀। तो जो टोटल फ्लक्स आया इस स्पीयर से वो q/ε₀ आया, और यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था, कि गॉस थ्योरम यही कहता था कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो है टोटल फ्लक्स, फाई नेट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, उसका फ्लक्स निकालने का ये वाला तरीका है,
उस सरफेस का फ्लक्स इज इक्वल टू उसके अंदर जो चार्ज है इंक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे चार्ज है जो, तो यही तो हमें प्रूव करना था। ये तो गॉस थ्योरम का, गॉस के इक्वेशन को यही तो हमें डिराइव करना था या प्रूव करना था, वॉट जो भी था। तो यहाँ से तुम देखोगे तो अगर इसके अंदर मान लो ये रैंडम सरफेस है, अगर रैंडम सरफेस है और इसके अंदर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो अब मैं गॉस थ्योरम को लिखूंगा कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेसन ऑफ चार्ज, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मान लो एक माइनस Q4 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस Q4, माइनस वाले को माइनस लिखेंगे, तो इस टाइप से आप गॉस थ्योरम लिखेंगे। तो आई होप कि इसका स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। एक बार देख लेना वीडियो रिवाइज करके, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये इसका बेसिक स्टेटमेंट है, प्रूफ है, डिफिनेशन है, इसको हमने डिराइव कर दिया। अब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्रॉपर नोट्स के लिए जो तुम्हें काम आएंगी, इस गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड हम बात करेंगे, तो वो भी तुम अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेटेड इजिली बाय सुटेबल चूजिंग ए क्लोज सरफेस, एक ऐसा क्लोज सरफेस जो चार्ज के अराउंड हो, वो किसी भी सेफ साइज का हो सकता है और वो एक इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल, कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल फिजिकली एग्जिस्ट करे, तो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। ऐसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। जैसे मान लो ये हेमीस्फीयर है, तो अगर ये हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर मैं एक चार्ज रखा प्लस क्यू, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं सिमेट्रिकली हेमीस्फीयर ड्रा कर दिया, क्योंकि मैं सिमेट्रिकली ड्रा करूँगा, तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आप रैंडम भी ड्रा कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्लोज गॉसियन सरफेस, ठीक है। और अगर ये हेमीस्फीयर है और आप ऊपर ऐसे ऐसे रैंडम शेप का कोई भी ड्रा करते हो, तो इससे इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये हेमीस्फीयर है तभी भी ये गॉसियन सरफेस कहला जाएगा और उतना ही फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर अगर कोन बना दिए तभी भी यहाँ से जो फ्लक्स है वो उसके गॉसियन सरफेस के सेफ साइज नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो टोटल जो फ्लक्स होगा अभी भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है ना, ये चेंज होने वाला नहीं है, इसके सेफ साइज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये सिलेंडर है, दोनों साइड से खाली है, तो अगर इसके अंदर मैं चार्ज रखता हूँ, समझना, इसके अंदर चार्ज रखता हूँ प्लस क्यू और मैं इसको बंद नहीं करूँगा, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं होगा। ये इसको मैं ऊपर से क्लोज कर दिया, सिलेंडर में तीन सरफेस होता है, एक दो सरफेस वो ये वाला, एक कर्व वाला हो गया, एक ये एक कर्व वाला ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दो सर्कुलर हो गए, एक कर्व वाला हो गया। अब मैं बंद कर दिया तो टोटल फ्लक्स इससे चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये गॉसियन सरफेस का डिफिनेशन है, ठीक ना, एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, क्लोज होगा, तो ये सारी जनरली हम सिमेट्रिकल लेते हैं, पर आप किसी भी शेप साइज का ले सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जीरो फ्लक्स कब होगा। देखो, जीरो फ्लक्स होने के लिए बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जीरो फ्लक्स। देखो, अभी हम लोग फ्लक्स डिफाइन किए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और क्यू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो नो डाउट जो चार्ज, नेट चार्ज इसके अंदर है वो क्या भाई, जीरो ही है। तो अगर नेट चार्ज जीरो है, जैसे मान लो अगर मैं इसके अंदर डाइपोल रख दिया, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अब मैं जो फ्लक्स लिखूंगा तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यह आ जाएगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, तो फ्लक्स आ जाएगा अपना जीरो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात था कि अगर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा, जीरो फ्लक्स होने का चांस है इधर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव इक्वल एंड अपोजिट। कोई ज़रूरी नहीं है कि डाइपोल हो भाई, हो सकता है एक प्लस क्यू यहाँ बिखरा हो, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो इसके अंदर देखो माइनस फाइव क्यू है। अब क्यू नेट अगर मैं यहाँ निकालूंगा क्यू नेट चार्ज, तो नेट चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू प्लस फोर क्यू और माइनस फाइव क्यू, तो ये प्लस फाइव क्यू और ये माइनस फाइव क्यू, तो कुल मिला के ये जीरो। तो
तो अब मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो अभी भी तो नेट चार्ज जीरो है, तो जीरो अपान एप्साइली नॉट, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया यार, नेट फ्लक्स अभी भी आ गया जीरो आ गया। मतलब इससे ना तो कोई जितनी नेट फ्लक्स जीरो की है फिजिकल फील्ड का रहा है। अगर इसे 100 लाइनें बाहर जा रही हैं, देखना फील्ड लाइनों को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, जितनी लाइनें इसे बाहर जा रही हैं इस सरफेस से, उतनी लाइनें इससे अंदर भी आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ठीक है। कुछ बाहर जा रही, कुछ लाइनें अंदर आ रही, मतलब अगर इसी से 100 लाइन आउट गोइंग है बाहर जा रही है, तो 100 लाइन अंदर भी आ रही है इनकमिंग है, तो कुल मिला के नेट फ्लक्स के आने वाली और जाने वाली नेट क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से फील कर गया होगा। चलो मान लो नेट अगर फ्लक्स पॉजिटिव होता, नेट फ्लक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फील्ड लाइनें बाहर जा रही हैं, और अगर नेट, इस पॉइंट को नोट कर लेना, नेट फ्लक्स निगेटिव है तो इसका मतलब चार्ज निगेटिव है, मतलब नेट फील्ड लाइनें इनकमिंग वाली जा रही हैं, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये आपको अच्छे से मैंने फील करा दिया। चलो कभी कभी नेट फ्लक्स, कभी कभी कोई भी बॉडी है किसी भी शेप साइज का है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, ये बॉडी क्लोज इनक्लोजिंग, इसके अंदर ध्यान रखना कोई चार्ज ना हो, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसके अंदर चार्ज जीरो है, इसके अंदर भी चार्ज जीरो है, इसके अंदर भी चार्ज जीरो है, और इसके अंदर भी चार्ज जीरो है। अब मैं उसको ले जाके यूनिफॉर्म चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा, तभी भी नेट फ्लक्स हमेशा कितना आता बॉडी से, जीरो। इससे मतलब अगर ये सिलेंडर में तीन सरफेस है, तो अगर ये नीचे वाला सर्कुलर सरफेस फर्स्ट मानूँ, और ये अगर सरफेस में सेकेंड मानूँ, और ये सरफेस में थर्ड मानूँ, तो फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सेकेंड सरफेस, फ्लक्स थ्रू सब का नेट फ्लक्स कितना भाई, जीरो है। बात आ रहा समझ में, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। उसी तरह से एक क्यूब है, अगर मैं फील्ड में रख दिया, इसके अंदर सिक्स सरफेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फाई नेट इसका भी कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब सभी का फ्लक्स, सिक्स सरफेस का फ्लक्स वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो। देखो अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड ले लो, तो अगर यहाँ पर जो तुम फील्ड लिए हो, यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि इससे फ्लक्स निगेटिव है, और इससे जो फ्लक्स ये निगेटिव है, और इससे फ्लक्स जीरो है, और इससे फ्लक्स, ये कैसे है भाई? देखो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस, इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा 180 हो गया ना भाई, अगर थीटा 180 हो गया तो कितना हो गया, ई ई डॉट डी एस, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस 180, तो कॉस 180 कितना हो गया, माइनस ई डी एस, मतलब अंदर वाली जो फ्लक्स होती है वो निगेटिव होती है, और जो बाहर वाली फ्लक्स हो जी, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस देखो, दिस सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, और थीटा हो गया जीरो, तो थीटा हो गया जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे ई डी एस कॉस जीरो फ्लक्स पाई, तो यहाँ से आ जाएगा ई डी एस कॉस जीरो मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो बाहर वाला जो फ्लक्स, जाने वाली फ्लक्स पॉजिटिव होती है, आने वाली फ्लक्स निगेटिव होती है, क्यों होती है, क्योंकि थीटा 180 और जीरो होता है, और परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है सिलेंडर का वो परपेंडिकुलर सरफेस है, तो परपेंडिकुलर का फ्लक्स कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का फ्लक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि थीटा 90 है। हाँ ये देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, एसपीआर रख दिए हो, तो चार्ज तो फ्लक्स कितना बनेगा, तो इसका भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे बार बार गलती करते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गलती करते हैं, कि अगर मैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और क्लोज सरफेस आर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हुई है, बच्चे ये समझ लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर वाला चार्ज क्यू वन और क्यू टू का ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो फ्लक्स यहाँ पे जो फ्लक्स है वो, तो देखो ये जो क्यू थ्री और क्यू फोर है और क्यू वन, इस पॉइंट पर जो फील्ड है, ए पॉइंट पर जो फील्ड है वो सभी चार्जेस का होता है, फील्ड इज द ई इज ड्यू टू
ऑल चार्जेस जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं सभी का फील्ड होता है, चाहे वो अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। और जो बाहर वाले, ये जो बाहर वाले होते हैं इनका फ्लक्स क्यों नहीं काउंट होता है, ये क्योंकि इनका फ्लक्स बाई जीरो चला जाता है। कैसे जीरो चला गया? क्योंकि यहाँ से जितनी फील्ड लाइनें जाएंगी उतनी फील्ड लाइनें इधर से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के बाहर वालों का कोई लाइन इसमें फ्लक्स जो है वो जीरो होता है, दैट्स वाई ये बाहर वाले चार्ज काउंट नहीं होते हैं गॉस थ्योरम में, क्योंकि उनका बाहर वाले से फ्लक्स जीरो कंट्रीब्यूट हुए। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज लिखा गया है वो सिर्फ अंदर वाले का है, क्योंकि बाहर वाले का तो जीरो आ गया, ठीक है ना। जितनी फील्ड लाइनें गई उतनी बाहर आ गई, दैट्स वाई दैट वाज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इसे ध्यान से अच्छे से समझना कि अगर मैं चार्ज को मूव कराता हूँ तो क्या फ्लक्स बदल जाएगा। इसके अंदर चार्ज क्यों है या कोई भी है, इसको मैं उठा के यहाँ रख दिया, फिर इसको मैं उठा के यहाँ कर दिया, या इसको उठा के यहाँ रख दिया, क्लोज ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर मैं चार्ज को मूव कराऊँ तो फ्लक्स तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाला जो ए पॉइंट पर फील्ड है, ये वाला फील्ड है जो ये फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड चेंज भी हो सकता, नहीं भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता आप कैसे घुमा रहे हो, किस बात पर डिपेंड कर रहा है। तो अभी तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दिया तो इस पॉइंट पर लगने वाला फील्ड तो बदल जाएगा पर फ्लक्स नहीं बदलेगा यार, समझ रहे। उसी तरह से ये जो चार्ज का जो फ्लक्स है वो बॉडी के सेफ साइज पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी सेफ साइज का ले लो, देख रहे सभी का फ्लक्स सेम आएगा। तो ये एक बेहतरीन नोट्स था, प्रॉपर नोट्स था। मेरी बातों को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, नोट्स बना लेना, जिससे तुम्हारा मतलब गॉस थ्योरम का एक अच्छा सा कंप्लीट और बेहतर कंटेंट तुम्हारे पास आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बहुत अपना ख्याल रखो, टेक केयर।